गाइस, वेलकम बैक माय चैनल माय वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हेयर ग्रोथ पैक, ठीक है, और बहुत ही नेचुरल लेकर आई हूँ और आपको बहुत अच्छा इसका फ़ायदा होगा। सो गाइस, मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको पहले बता देती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। आप तो देख ही रहे हो क्या क्या चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। ये है तुलसी के पत्ते, ठीक है, ये देखिए तुलसी के पत्ते, ओके। देन नीम लीव्स पाउडर, ठीक है, नीम पाउडर जो है ना वो नीम पाउडर, मेथी, ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले मेरे अपनी जो पहले वीडियो है वो मेथी के ही लिए थे, मेथी और कलौंजी के। सो मेथी बालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा होता है मेथी। सो मेथी एंड ओरिजिनल हिबिस्कस, अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे हिबिस्कस पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास हिबिस्कस नहीं मिलता हो तो हिबिस्कस पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। देन मुझे चाहिए कॉफ़ी, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा शाइन एंड ब्राउन भी चाहती हूँ। सो मैंने लिया है कॉफ़ी एंड सबसे अलमोस्ट एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा यहाँ मेरे पौधे तो नहीं है, होता तो मैं वहाँ से एलोवेरा लेती, बनाती, आपको देती, बट ये मैंने पतंजलि का लिया है। आपके पास जो उपलब्ध हो कोई भी, वो आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हो, ओके गाइस। सो यही चाहिए हमें इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला जो है वो हमारा है मेथी को हम मिक्स कर देंगे। और गाय, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि मेथी को जो आप भिगो के रखते हो, मेथी का जो पानी आप पर दिखाई दे रहा है वो पानी आप बिल्कुल ना फेले। जब मिक्स करोगे तब उसी पानी का इस्तेमाल करें। और कभी कभी अगर आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं हो तो आप मेथी भिगो के रख के और चावल जो है ना राइस उसको भी भिगो के रख के राइस के पानी और मेथी के पानी को मिक्सचर करके आप बालों के लिए लगा सकते हो। बहुत इसमें मुनाफा होता है और फ़ायदा बहुत उसका अच्छा गुण आता है इसमें। सो गाइस, सबसे पहले हमें मेथी मिक्स करना है। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, हिबिस्कस एंड तुलसी के पत्तों को मिक्स करेंगे एंड देन वन बाई वन आपको जो क्या करना है, वन बाई वन स्टेप आपको हम बताते जाएंगे, ओके गाइस। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेथी को मिक्स करना है, ओके। सो हम मेथी को मिक्स करने के लिए हम मिक्सचर लेंगे, हमने मेथी के मिक्स करने के लिए हमने मिक्सचर ले लिया है। अब उसे मिक्सचर पर हम डालेंगे, उसको पानी जो है वो हम थोड़ा सा अलग बोल पे डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने पानी को अलग बोल पे डाल दिया है, ओके। देन हम मिक्सचर में पूरा डाल देंगे मेथी को। मैंने अपने वन टाइम के लिए लिए हैं, आप अगर चाहो दो तीन बार के बना तो आपके हिसाब से लीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से लिया है, ठीक है। तो ये मेथी को मैंने मिक्सचर पे अच्छे से डाल दिया, अच्छे से दीजिए ताकि मिक्सचर मेथी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए ग्राइंडर में। देन आप उसमें थोड़ा सा मेथी का जो भिगाया पानी था वो आप थोड़ा सा इसमें डालें, ठीक है। बाकी पानी भी हमें चाहिए, आप उसको रखें ज़रूर, ओके। देन हम इसको अभी क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, ओके गाइस। सो गाइस, ये देखिए मिक्सचर रेडी है, आपको ऐसे ही अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। आफ्टर मिक्सचर आप इसको अलग बोल पर ले लें, ठीक है। मैं इसको बोल पे डाल दूँगी, बोल पे डालते ही इसका अलग से बनाओ और मिक्सचर को आप अलग से बोल पे डाल दें, ठीक है। और मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स करें ताकि जब भी आप आपका इसका मेथी का जो गुण है, मेथी के जो बेनिफिट्स है वो आपके बालों तक जा पाए, इसलिए आप मेथी को अच्छे से मिक्स करें। एंड देन आपको क्या करना है, उसी मिक्सचर पर आपको हिबिस्कस के जो पाउडर हैं इसके पीछे वाले जो हैं वो उसको आपको फेंक देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं हिबिस्कस पाउडर को पूरा आपके पीछे वाले हिस्से को फेंक देना है। एंड ये मेरे पास इतने फ्लावर अवेलेबल नहीं है क्योंकि विंटर के सीजन है, फ्लावर कम आते हैं। सो जितना अवेलेबल था उतना ही मैंने लिया है, आप इसको मिलाएं। देन जो तुलसी के पत्ते मैंने 15-20 से ज़्यादा लिया है, 20 से 25 होंगे, आप जितने आपके पास अवेलेबल हो आप इतना ले। अगर नहीं मिल रहे गाइस, तुलसी के पत्ते के भी पौधे मिल जाते हैं, आप उसको भी मार्केट से लेके आ सकते हो, लेकिन इंग्रेडिएंट्स अच्छा होना चाहिए और आप नेचुरल ही लिया करें। एंड देन उसको आप अच्छे से मिक्स करें, ओके। अब सॉरी, इसमें आपको अभी ये मिक्स नहीं करना है, ठीक है, आपको अभी इन दोनों का ही मिक्सचर करना है विथ सम वाटर। तो मैंने कहा था मेथी के जो पानी थे उसको अब उसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी, ये मेथी के पानी में पूरे काम आएंगे, ठीक है। अब उसको हम मिक्स कर देंगे। गाइस, ऑलमोस्ट हमारे मिक्सचर रेडी है। अब उसी ग्राइंडर में जो कि हमारे तुलसी और हिबिस्कस जो पाउडर फ्लावर है उसके मिक्स हो चुके, अब उसी में आपको क्या करना है, मेथी को भी फिर से मिक्स कर देना है।
ताकि वन बाय वन आपको इसको मिलाते जाना, ताकि ये जो एक दूसरे के जो बेनिफिट्स से चाहे एक दूसरे में बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ओके, अच्छे से इसको मिक्स करने के लिए आप हिबिस्कस के फूल और इसके बाद आपके जो भी हैं सॉरी तुलसी के पत्ते एंड मेथी एंड आफ्टर देर आपको क्या करना है, नीम के लिए भी इसको डाल देना है उसमें। ओके, देन आपको यहाँ पे जो मैंने कहा था मेथी के भिगे हुए पानी को पूरी अच्छे से डाल देना है, एंड उसी में आपको कॉफ़ी, देख सकते हैं मैंने कॉफ़ी कितना दिया है, आप अपने हिसाब से दीजिए। ठीक है, मैंने ज़्यादा कॉफ़ी नहीं दिया है, कॉफ़ी दिया है, एंड आप इसको आपको अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर देना है। ओके, सो गाइस ये मैंने मिक्स कर दिया है, मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी है मेरे। सो इसके बाद आपको क्या करना है, उसी में आपको एलोवेरा जेल मिला देना है। जो एलोवेरा जेल मैंने लिया था पहले, उसी एलोवेरा जेल को मिला देना है आपको। ठीक है, अच्छे से अब थोड़ा सा ले, मेरा ख़त्म होने वाला है। सो जितना अवेलेबल हो सके मुझसे, देखिए मैंने हाथ में डाला तो ये जल्द से जल्द निकल गया। अब उसी एलोवेरा जेल को आप यहाँ पे मिक्स कर दे, एलोवेरा थोड़ा से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा ले, आप अगर चम्मच से लो कम से कम 2 टेबल स्पून एलोवेरा ले ही लें। ठीक है, तो एलोवेरा लेने के बाद आपको फिर से एक बार मिक्स कर देना ग्राइंडर से। गाइस रेडी है मिक्सचर, अब इसको ऑलमोस्ट हमारे सब कुछ रेडी हो चुका है। अब इसको एक बोल पे ले लें, अगर ग्लास का बोल हो तो अच्छा है, या फिर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी बोल ले सकते हो। ठीक है, इसको अच्छे से निकाल लें। सो गाइस रेडी है हमारे हेयर ग्रोथ पिक विथ द हिवी फ्लावर हिबिस्किस, नीम लीव्स पाउडर, तुलसी के पत्ते, एलोवेरा जेल, कॉफ़ी, ऑलमोस्ट हमारे सब कुछ रेडी है। और ये देख सकते हैं मैंने पूरा खाली कर दिया है। और ये अब इसको कैसे लगाना है गाइस, अगर आपके सिर धुले हुए तो अच्छी बात है, अगर नहीं धुले हुए कल धुआ हो आपने तो आज इसको लगा सकते हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास टाइम अवेलेबल हो तो आप एक काम कीजिए, पहले आप सिर को धो ले अच्छे से शैम्पू से, एंड आफ्टर दैट इसको लगाए। गाइस इसको जब भी लगाएं मथे में पूरे सिर पे लगाएं, एंड प्लीज़ अप्लाई टू योर स्कैल्प एंड हेयर ऑल्सो एंड मिक्स इट वेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट बनाने के बाद इसको आप अगर ग्लास जार है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो स्टील के कोई भी बर्तन पे आप रखें, उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दें, 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख दें, एंड आफ्टर दैट उसको आप इस्तेमाल करें। एंड लगाने के बाद आप उसको 25 से 30 मिनट इसको रख दें, उसके बाद की बाद ही आप वॉश करें। वॉश इट फर्स्ट उसको सिंपल नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए, एंड आफ्टर दैट उसको शैम्पू से वॉश कीजिए, एंड देन ड्राई योर हेयर। ओके गाइस, सो मिलते हैं आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।